क्या बताया था सासू माँ ने? उन्होंने क्या बताया था? सब मेरी माँ ने बताया। उठ के पंखा बंद कर दो। अरे इतनी गर्मी हो रही है बाहर और तुम पंखा बंद करवा रहे हो। अच्छा तुम्हें पता है कि गर्मी का सीजन है, तब भी ये स्वेटर बुने जा रही हो धड़ाधड़। अरे ये तो ऊन सस्ता मिल रहा था, इसीलिए मैंने किलो के भाव से ले लिया। हाँ सस्ती चीज तुमसे बचती कहाँ है। हाँ हाँ नहीं बचती, इसीलिए तो तुमसे शादी हुई है। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी सस्ता नहीं होता। इसलिए तो आपके नाम पर रिश्ता फिक्स हो गया जीजा जी। एक अदे मेरा नाम लेकर किस चिकलांडू का रिश्ता तय कराया? हाँ इनके नाम से तो इनका खुद का रिश्ता नहीं हुआ था, किसी दूसरे का कैसे हो गया? आप लोग ना लड़ते झगड़ते रहते हो, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। सुनने के लिए कोई मन की बात नहीं हो रही है जब सुनी जाए। अरे सुन लो ना वो कह रहे थे, तू बोल डब्लू क्या हुआ? दीदी मेरा ना रिश्ता डॉक्टर की लड़की से ना तय हो गया। डॉक्टर की लड़की? जरूर पागलों का डॉक्टर होगा। अच्छा है ना, इसी बारे तुम्हारा इलाज भी फ्री में हो जाएगा। अरे दीदी जिया जी के बदौलत ही तो ये रिश्ता फिक्स हुआ है, और आप लोग ना झगड़ा मत करो, चलो जल्दी। कहाँ चले? तेरे मामा की बारात में? मामा की नहीं, मेरे भाई की बारात में। ओफो, अभी हम ना रिश्ता फिक्स करेंगे दीदी, बारात लेके ना सर्दी में चलेंगे। ओके दीदी। हाँ तब तक 100-125 स्वेटर भी बुन जाएंगे, घूरो मत और जहाँ चलना है वहाँ चलो जल्दी, मुझे शाम को जिम भी जाना है। नमस्कार 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 जी, आइए 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 आइए। अरे आ तो गए, अब क्या गोद में बैठ जाए तुम्हारी। आइए आइए। दो परिवार क्या मिले, मजाक ही शुरू हो गया। आप घमंडी हैं क्या? मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, दफ्तर में थर-थर कांपते हैं लोग। अरे जीजा जी आपके बारे में मैंने पहले ही बता दिया इनको। वैसे बायोडाटा इन्होंने अच्छा बताया है। हम भी क्या बातों में पड़ गए। डॉक्टर साहब आपने अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बनाया? अजी बहुत टाइम देना पड़ता है इस पेशे में, इसलिए मैंने उसे इलेक्ट्रिशियन बना दिया। तार जोड़ने वाली लड़की से शादी करेंगे। अधिकारी जी मेरी बेटी तार जोड़ने के साथ साथ ट्रांसफार्मर फूंकने का काम भी करती है। अच्छा, अरे वाह, आप भी कहां सिर पीट रहे हैं डॉक्टर साहब। कोई फोटो वोटो है आपकी बेटी की? हाँ हाँ जी 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 है, ये लीजिए। डब्लू? अरे क्या डब्लू डब्लू कर रही हो, मारो एक तमाचा खींच के, दूसरे के घर आकर यही हरकत करते हैं क्या? ओहो अधिकारी जी अब सब इनका ही तो होने वाला है इस घर में। थोड़ा लड़कपन भी जरूरी है जवानी में, है ना बेटा? अगर हमारे यहाँ ये लड़कपन दिखाया होता ना तो गांव वालों ने अपने हाथ का कड़कपन दिखा दिया होता। कुछ भी बोल रहे हो, मुंह बंद करो और ये बताओ लड़की कैसी लगी? तो बहुत सुंदर लगी। क्यों, मेरे मना करने से शादी काट दोगी क्या तुम? अरे क्या अधिकारी जी, ये क्या आप लात घूंसे खाने वाली बात कर रहे हैं? अरे ये तो खंबे से बिजली का तार चुरा कर बेचती है। अरे नहीं नहीं नहीं, तार चोरी करके नहीं बेचती है, उतार के बेचती है, इलेक्ट्रिशियन है ना। तुम्हें तो हर किसी में खोट नजर आता है। जिया जी फोटो देखने को कहिए, कमियां निकालने को नहीं। ए गधे मैं क्यों कमी निकालने लगा इस लड़की के अंदर है? जो मैंने देखा वो बोल दिया, और तुझे अगर गड्ढे में गिरना है तो गिर, मेरा क्या? अरे तुम्हारा साला गड्ढे में गिरेगा तो तुम कुछ नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगा, जिस गड्ढे में ये गिरेगा मैं वहाँ एक ट्रक मिट्टी मंगवा के गड्ढा भरवा दूंगा। ना 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 ना, ये गलत है जीजा जी, मतलब काजू कतली के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, है? और एक ट्रक मिट्टी के तुम्हारे पास पैसे आ गए। अरे काजू कतली की तो बहुत बड़ी बात कह दी तूने डब्लू, इस आदमी को मैंने कहा कि टाटा सुमो से चलते हैं, रिश्ता करने जा रहे हैं, थोड़ा रुआब बढ़ेगा, पर नहीं कहता ऑटो में चलते हैं, टाटा सुमो कम एवरेज देती है, ऑटो में हवा अच्छी लगेगी। हवा क्या लगनी थी, लू लग गई मुझे, अब घर जाके पहले सबसे पहले मुझे पानी चढ़वाना पड़ेगा बंगाली डॉक्टर से। अरे बहन जी ऐसी बात है तो पानी मैं चढ़ा देता हूँ, मैं लू स्पेशलिस्ट हूँ ना। अरे क्या बात कर रहे हैं,
देखा दीजिए कितने काम के ससुर जी हैं, एक सेकंड में तुम्हारा इलाज कर देंगे। हाँ कर देंगे इलाज। डॉक्टर साहब ये सब क्या है? ये सिरिंज है और ये कैनुला वगैरह है। अरे शरीर में पानी चढ़ाना है, नहलाना नहीं है जो पाइप निकाल लिया। देखिए मेरे पास तो यही औजार है गाय भैंसों के हिसाब से। एक मिनट, आप इंसानों के डॉक्टर नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, पर इलाज कर देता हूँ, एक जैसा ही तो सिस्टम होता है दोनों का। औरों का तो पता नहीं लेकिन इनका सिस्टम बिल्कुल गाय भैंसों वाला है। हमें आपके घर में रिश्ता नहीं करना, मैं अपने मोहल्ले में शोर मचाकर आ गई हूँ कि मेरे डब्लू का रिश्ता एम्स के सर्जन की बेटी के साथ हो रहा है। नहीं बहन दीदी, अब तो शादी इनकी बेटी से ही करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी का क्या मतलब है? तू कोई सड़ा हुआ आम है जो बिकेगा नहीं? तेरे लिए मैं एक से एक लड़कियों की लाइन लगा दूंगी, तू यहाँ शादी नहीं करेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है बस। अरे इसका बाप भी शादी करेगा? अरे इसके बाप की शादी हुई है तभी तो ये लल्लू पैदा हुआ है, कैसे चिकलांडू डॉक्टर हो तुम? देखिए डॉक्टर साहब, हमें आपके घर में शादी नहीं करनी और ये शादी ना कोई जोर जबरदस्ती से नहीं करा सकते, हमारी मर्जी है हम करें ना करें। तो मेरी बेटी के पेट में बच्चा आपसे पूछ के करना चाहिए था ना। एक ग्राम विकास अधिकारी धोखा बर्दाश्त नहीं करता। अरे तुम हट जाओ नहीं तो एक बैच तुम्हें पड़ जाएगा। अरे अधिकारी जी क्या कर रहे हैं? साले क्या बोला था कि मेरे नाम पर रिश्ता हुआ है, ये बोलता कि तूने जो कुकर्म किया इसलिए यहाँ करनी पड़ रही है। मारो लेकिन गाली तो मत दो। अरे साले को साला बोलना गाली है क्या? ए कहाँ भाग रहा है? आज तेरी खाल नहीं खींच दी तो मैं भी ग्राम विकास अधिकारी नहीं। अरे डब्लू डब्लू